ये चर्चा यदि हवा में तैर रही है तो हो सकता है इसमें कुछ दम हो कि राजेश्वरी यादव गोपालगंज उपचुनाव के रास्ते राजनीति में आए तेजस्वी जो है वो भाजपा के निशाने पर हैं ऐसा आप कह सकती हैं कि भाजपा की आंखों में एक कांटा की तरह चुभ रहे हैं तेजस्वी यादव क्योंकि युवा नेता हैं और इन तीनों में से यही कहीं लड़ेंगी तब तो गोपालगंज की ज़्यादा संभावना है क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट है लालू यादव का और फुलवरिया गाँव जहाँ से लालू आते हैं वो गोपालगंज में ही है एक चाय बेचने वाला जाहिल आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है तो राजश्री यादव क्यों नहीं अच्छा से काम कर सकती हैं तो आना चाहिए युवा हैं पढ़ी लिखी हैं तो यदि राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए और भाजपा वाले किसी को फंसाने में तो माहिर होते हैं देख रहे हैं लाइव बिहार मैं आपके साथ अभी बिहार में तीन जगह उपचुनाव होने वाले हैं और कयास लगाए जा रहे हैं हर जगह के कि वहाँ पे ये जीतेंगे वहाँ पे वो जीतेंगे अब इस तरह से कुछ जनता भी कह रही है और कहा भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो कि बेल पड़ा है तो क्या आगे में चुनाव में वो बने रहने के लिए क्या अपनी जो वाइफ हैं उन्हें वो आगे निकालना चाहेंगे चुनाव में लड़वाना चाहेंगे क्या गोपालगंज हो या कहाँ से चुनाव लड़ाना चाहेंगे थोड़ा सा मैं इसी मुद्दे पर थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ आई पी एस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उन्हीं से बात करते हैं सर क्या लग रहा है जब लालू यादव जी वो भी तो बेल पे थे फिर और जेल उन क्या लग रहा है कि उनकी वाइफ भी आगे आएंगे अब देखिए एक तो फैक्ट ये है कि तेजस्वी जो है वो भाजपा के निशाने पर हैं ऐसा आप कह सकती हैं कि भाजपा की आंखों में एक कांटा की तरह चुभ रहे हैं तेजस्वी यादव क्योंकि युवा नेता हैं और बिहार राजनीतिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और अच्छी खासी पकड़ है यहाँ तेजस्वी की यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है सबसे बड़ा राज अभी जो पार्टी है वो राजद ही है जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं तो भाजपा की आंखों में कहीं ना कहीं तो तेजस्वी चुभ रहे हैं और भाजपा वाले किसी को फंसाने में तो माहिर होते हैं और अभी चूंकि सत्ता है केंद्र में उनकी तो जितनी जाँच एजेंसियाँ हैं ई हो सी हो सब उनके पॉकेट में ही है तो देर सवेरे तेजस्वी को फंसाने का एक बार सीबीआई रेड हो भी चुकी है और देर सवेरे इनको भी फंसाने के लिए कुछ करेगी ही भास्पा तो ऐसा हो सकता है कि इनकी जो वाइफ है राजश्री जो हैं तो वो राजनीति में है और इसमें मुझे कुछ बुराई भी नहीं दिखती है पढ़ी लिखी महिला है और तेजस्वी ने मोहब्बत करके उससे शादी की वो तो ईसाई महिला है रैचुअल आयरिस मूल नाम है ये मैं दर्शकों को याद दिला दूँ क्योंकि एक अंतर धार्मिक विवाहों का स्वागत होना चाहिए समाज में तो रैचुअल आयरिस से जो तेजस्वी ने शादी की और फिर वो अब राजस्वी बन गई है तो वो आ सकती है क्यों नहीं राजनीति में आ सकती है राजनीति तो संभावनाओं का खेल है है ना राबड़ी देवी तो देखिए बिल्कुल घरेलू महिला थी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी लेकिन लालू के जेल जाने के बाद सीएम बनी और फिर लालू सात साल सीएम रहे और राबड़ी देवी आठ साल सीएम रही लालू से भी ज़्यादा समय सीएम रही तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता क्या है राजनीतिक तो... में बने रहने के लिए क्या गोपालगंज से उपचुनाव शायद अब गोपालगंज से ही लड़ेंगी ये मैं नहीं कह सकता ऐसे तो गोपालगंज जो है वो लालू यादव का गृह जिला है हाँ हाँ इसलिए कयास लग रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि देखिए तेजस्वी तो पूरे मतलब प्रदेश स्तर के नेता हैं और अभी तो आपने कहा कि तीन जगह मकामा में कुर्नी में और गोपालगंज जी सिंह जी तो इन तीनों में से यही कहीं लड़ेंगी तब तो गोपालगंज की ज़्यादा संभावना है क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट है लालू यादव का और फुलवरिया गांव जहां से लालू आते हैं वो गोपालगंज में ही है तो देखिए क्या होता है यहां तो घटना चक्र बहुत तेज़ी से बदलता है लेकिन ये चर्चा यदि हवा में तैर रही है तो हो सकता है इसमें कुछ दम हो कि राजस््री यादव गोपालगंज उपचुनाव के रास्ते राजनीति में आए अगर राजस्त्री आती हैं अगर चुनाव में तो क्या लग रहा है मतलब अच्छे या नहीं संभाल पाएंगे ये मुझे जानना है तो क्योंकि पढ़ी लिखी भी हैं इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं अब क्यों नहीं संभाल पाएंगी पढ़ी लिखी हैं पढ़ी लिखी हैं और मतलब एक समझदार हैं जब एक चाय बेचने वाला जाहिल आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है तो राजश्री यादव क्यों नहीं अच्छा से काम कर सकती हैं तो आना चाहिए युवा हैं पढ़ी लिखी हैं तो यदि राजनीति में आती हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए आपने सुना कि बीजेपी जिस तरह से सर कह रहे हैं कि बीजेपी फंसाने का, का काम करती है तो हो सके जो तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो बेल पर भी आए हुए हैं तो शायद उन्हें जेल भी हो जाए तब उसके लिए बने हुए रहने के लिए शायद अपनी पत्नी को आगे चुनाव में उपचुनाव में उतार भी सकते हैं अब गोपालगंज जो कि लालू यादव का गृह जिला है तो हो सके वहां से जीतने का भी उनका चांस बनता है अब देखना यह होगा कि गोपालगंज उपचुनाव में आखिर उम्मीदवार आर किसे उतारेगी चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें